हेलो टू तो स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन आपको मैं एक शानदार वीडियो दिखाने वाला हूं अभी तो ये पीछे अंग्रेज खड़ा है लेकिन इस इसके बाद जो है मैं आपको एक शानदार वीडियो दिखाऊंगा आपका दिल खुश हो जाएगा ऑडियो uh, नहीं सुना सकता सॉरी क्योंकि ऑडियो में तो और ख़तरनाक हिसाब किताब है मैं आप सबसे चाहता हूँ कि जहाँ पर भी पॉसिबल है ये सेशन को शेयर कर दो जहाँ पर भी पॉसिबल है ये सेशन को शेयर कर दो और उस सेशन के शेयर करने के बाद मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा मतलब मज़ा आ गया देख के भी और फील भी आ गई कि यार कमाल है यार मतलब कहा जाता है कि एक सिख हजारों के बराबर होता है लाखों के बराबर होता है और ये हमारी जो इंडियन फौज है है ना ये दिखाती है प्रूफ करती है बार बार प्रूफ करती है और आई जस्ट वॉन्ट कि आप भी इस आ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनिए जिसने कभी भी आपको लेट डाउन ना किया हो राइट चलिए सो किसी को आ, किसी को आइडिया आइडिया है कि किस वीडियो की बात कर रहा हूँ किसी को आइडिया है किस वीडियो की बात कर रहा हूँ जल्दी बताइएगा अगर किसी को आइडिया है तो बता दो नहीं तो मैं आपको सीधा अपनी वीडियो दिखा देता हूँ और वीडियो जो है हम लोग देखेंगे और ये रियल वीडियो है इसमें कोई आ, वो नहीं है कॉपी या फिर एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं है सो आई वांट ऑल ऑफ़ यू टू ज्वाइन द सेशन जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और बगैर किसी देरी से हम लोग चलते हैं उस वीडियो के ऊपर राइट right? कोई आइडिया नहीं है वेरी गुड आई वांटेड कि आइडिया ना हो आपको ताकि आपको जो सरप्राइज है वो बना रहे राइट right? चलिए ये बता सकते हैं किसका नाम है ये डलह है ही इज लॉर्ड डेलह राइट बट अभी देखते हैं उस वीडियो के ऊपर चलते हैं और ये वीडियो क्या है देखते हैं आपके साथ में देखना चाहता था सो लेट्स सी वॉट एग्जैक्टली दिस वीडियो बट ये वीडियो जो है जस्ट अ सेकेंड अब क्यों बंद हो गया ये मिनट हाँ जी यस वीडियो ऑफ अफ विन इंडियन एंड चाइनीज थ्रूकॉप ठीक अभी देखते हैं ये वीडियो और पढ़ाता हूं मैं टेंशन ना लो यार पूरा पढ़ाऊंगा और ज्यादा जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा ये है अपने भारतीय सैनिक ये देखिए ये डंडे जो बरसा रहे हैं ना ये भारतीय सैनिक है और ये जो अंग्रेज ये जो चीनी है नूडल नूडल इनके बहुत पसंद आते हैं खाने में लेकिन ये लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं ये देखिए ये एक तरीके से हमारी बाउंड्री है टेम्प्री सी बाउंड्री बनाई गई है चीनी सैनिकों को डंडों से मारा जा रहा है भारतीय सैनिकों के द्वारा सी दिस दिस वीडियो इज़ रियल वीडियो इसमें कोई कॉपी uh, पेस्ट नहीं है कोई एडिट नहीं है एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर और कोई ये मत बोलिएगा कि ऑडियो ऑन कर दीजिए नहीं तो यार बहुत मुश्किल हो जाएगी राइट है ना सो दिस इज वॉट द रियल वीडियो इज है ना तो देखिए ये अपने सिख सोल्जर है सिख पलटन है ये और ये सिख पलटन जो है खूब तरीके से इनका जो है डंडे मार मार देखिए कहां से भाग रहे तीस सेकेंड का है लेकिन यहां पे आपको छोटी वीडियो दिखाई जाएगी अगर आपको मन करेगा तो और बड़ी वीडियो और जगहों पे आपको देखने को मिलेगी तो वहां पे आप ये वीडियो देख सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं राइट ठीक है जो चाइनीज का बयान आया चाइनीज ने बोला कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं बट इस वीडियो में क्या दिख रहा है इस वीडियो में आपको दिख रहे देखने को मिल रहा होगा कि अपने जो भारतीय जवान हैं वो डंडे बरसा रहे हैं क्यों क्योंकि वो चीनी सैनिक जो है अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं है, है कि नहीं तो अगर कहीं से भी देख लो यार इंस्टाग्राम पे भरा पड़ा है ट्विटर पे भरा भरा पड़ा है आप वहां पर भी देख सकते हैं आराम से देखिएगा थोड़ा कान में लगा लीजिएगा थोड़ा ईयरफोन लगा लीजिएगा अगर ज्यादा मजा लेना है तो राइट चलिए वेरी वेरी गुड अगर वीडियो ये पसंद आया अगर मस्त लगा अच्छा लगा प्राउड फील हुआ तो जरूर सेशन को लाइक कीजिए और अब हम लोग शुरू करते हैं अपने कंटेंट को पढ़ने का कर, शुरुआत करते हैं कंटेंट राइट right? तो चलिए सो so, आज का जो पहला सवाल है आज का जो पहला सवाल है कितने बच्चे हैं हाँ यूट्यूब पर भी है बहुत अच्छे से है ना सो आई वॉन्ट कि मैं एक बार स्टूडेंट्स के नाम ले लेता हूं आर्यन शर्मा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुमन uh, उसके बाद है uh, एक मिनट यस यस जस्ट अ सेकेंड आकाश टेक्निकल तिवारी जी विष्णुप्रिया भारती आ, उसके बाद पूनम पारोल जादूमणि सिद्धार्था सीमा पीयूष भारती आ, नीलम देन वी हैव मीनू ओके ऋत्विक अमर प्रेरणा कन्हैया प्रदीप एंड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड

कहां पे कहास्ट इनिशियट uh, हुआ था ये तो आप बता सकते हैं है ना ये आप बता सकते हैं कि फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो कहां पे बिछी थी है ना फर्स्ट रेलवे लाइन ठीक है ये तो आपको पता होगा बॉम्बे से थाने तक राइट बट आपने मुझे आंसर देना है कि पहली टेलीग्राफ लाइन जो है वो पहली बार कहाँ पे फर्स्ट बिछी थी फर्स्ट कहाँ पे थी इज कलकत्ता टू डायमंड हार्बर आगरा टू जयपुर दिल्ली टू शिमला या रानीगंज टू इसमें आपने ये सवाल का आंसर तो देना ही है बट ऑल्सो यह भी देना है कि हु वॉज दी हु दी गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम राइट दो सवाल देने हैं उत्तर जल्दी दीजिएगा बॉम्बे से मुंबई से थाने मुंबई से थाने तो रेलवे लाइन बिछी थी ना रेलवे लाइन चली थी जल्दी आंसर दीजिएगा आई वॉन्ट आंसर आंसर चाहिए विदाउट डिले याद रखिएगा विदाउट डिले मेरे को आंसर चाहिए टेलीग्राफ लाइन और दूसरा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है अपने उस टाइम पे कौन थे जिन्होंने ये पूरी कार्रवाई की थी जल्दी आंसर दीजिएगा यहां पे मुझे यहां पे मुझे डेलहौजी लिखा जा रहा है बिल्कुल सही जवाब है तो लॉर्ड डेलहौजी जो थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे जिस टाइम पे ये काम किया गया अच्छा डेलहौजी के टाइम पे बहुत सारी चीजें की गई थी एक चीज बताता हूं सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी उसके अलावा मैं आपको बताऊं जो रूड़की में आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज है ना रूड़की में रूड़की में जानते हैं ना रूड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज है सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत फेमस कॉलेज है वो आईआईटी रुड़की है ना so, वो आई आई टी रूड़की का कॉलेज किया था इसी ने करवाया था ये आप याद रख सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में डेलहौजी ने ही करवाया था राइट right? क्लियर हो चुका है ओके okay. सो so, इसका क्या आंसर है कैलकाटा टू डायमंड हार्बर इसका सही उत्तर है जो फर्स्ट टेलीग्राफ रेलवे लाइन जो है बिछाई गई थी याद करेंगे क्लियर हो गया इज इट ऑल क्लियर वेरी वेरी गुड चलो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं हूँ अपियर फॉर द दीजियस यूपीएससी इंटरव्यू साथ ही साथ हमने जो है डिफेंस टॉक शो के अंदर मेजर मोहम्मद अली शाह को बुलाया है इनका हमने प्रॉपर रिकॉर्ड कर लिया है अब ये हम लोग टेलीकास्ट जरूर करेंगे आपके मोटिवेशन के लिए राइट आगे हम लोग बात करते हैं यह हमारा एफ कैट का ऑफिसर्स सिलेक्शन बैच है लीजिए और अपनी तैयारी को इन सत्तर दिनों के अंदर मजबूत कीजिए और कॉन्फिडेंस करके एग्जाम को फोड़िए राइट मल्टीपल टीचर्स बेस्ट लाइव क्लासेस होंगी पीडीएफ मिल जाएगी आपको सारे रिकॉर्डेड सेशंस मिल मिल जाएंगे मेंटोरशिप जाएगी और जब तक रिटर्न नहीं होगा तब तक आपका साथ नहीं छोड़ा जाएगा इनफैक्ट दिस इज एस एस बी बैच ऑल्सो तो एस एस बी जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आपको जो है सपोर्ट किया जाएगा ये भी सीडीएस का बैच है सीडीएस का बैच भी ले सकते हैं यह आपको मात्र पंद्रह सो से सोलह सौ सो रुपए के बैचेस मिलेंगे 1500 से 1600 रुपए के बैचेस मिलेंगे करना आपने इतना ही है एप्लीकेशन डाउनलोड करो एप्लीकेशन में डिफेंस सेक्शन में जाइए डिफेंस में जाने के बाद एग्जाम जो भी चूज कर रहे हैं उसको चूज कीजिए और वहां पे आपने रेफरल कोड Y588 लगाना है ये Y588 लगाएंगे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा डन हो गया चलिए आगे पढ़ते हैं राइट एक और चीज जो मैं आपको बता देता हूं बड़ा खास चीज है देखिए बहुत जबरदस्त लाइव इवेंट होने वाला है कब होगा विजय दिवस वाले दिन होगा 16 दिसंबर को होगा 11 बजे होगा सुबह और यहां पे हम लोग जो है इस विजय दिवस की पूरी की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो है सब कुछ पढ़ने वाले हैं मतलब पढ़ेंगे नहीं ऐसे इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा कि आपका इंटरेस्ट बना रहे और बहुत बेहतरीन तरीके से यह बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है आई वॉन्ट कि आप सबके सब इस इवेंट पे जुड़ेंगे क्या लाइव जुड़ेंगे ठीक है तो आप याद रखिएगा देखिए टेलीग्राफ लाइन जो है है वो पहली बार ओपन की गई थी अक्टूबर 1851 में है ना तो मोटे तौर पे याद रख लेना 1851 में ये टेलीग्राफ लाइन जो है वो ओपन की गई थी कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में ये टेलीग्राफ लाइन थी इतना आपने याद रखना है ठीक है ओके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सवाल कौन सा है हाउ लॉन्ग द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज कंडक्टेड कितने टाइम तक नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो कंडक्ट किया गया था जल्दी बताइए कितने टाइम तक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कंडक्ट किया था ये चार है, चार ऑप्शन 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 में से सही आपने बताना है जल्दी बताना है इसमें ज्यादा वक्त मत लगाइएगा क्योंकि वक्त बड़ा कीमती है और वक्त के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा जल्दी 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 हाँ जी जल्दी बताइएगा आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ना यार आराम से निकलेगा आंसर पर यार आंसर दो और सबके सब आंसर दो मेरे को दो चार आंसर से काम नहीं चलेगा दस पंद्रह आंसर से भी काम नहीं चलेगा आई नीड कम से कम चालीस आंसर एकदम ऐसे लट्टू घूमना चाहिए कमेंट का लट्टू घूमना चाहिए अच्छा एक और चीज बताता हूँ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं ना अच्छा मैं आपको बता रहा हूं यह तो है ऑल इंडिया लेवल पे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ऑल इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया लेवल पे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था है ना था कि नहीं था यस था लेकिन गांधी जी ने जो पहला पहला एक्सपेरिमेंट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का किया था ना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट फर्स्ट फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने पहला कहां पे किया था वो किया था किसके साथ किया था याद रखिएगा इट वॉज इन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट पे किया था खेड़ा सत्याग्रह में खेड़ा सत्याग्रह में सत्याग्रह में आप बोलेंगे सर फर्स्ट सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट क्या किया था मेरे पास अगर टाइम ज्यादा होता ना मैं आपको एक्चुअल इसका मतलब समझा देता कि सिविल क्या होता है नॉन कॉरपोरेशन क्या होता है ठीक है फर्स्ट सिविल जी ने किया था गांधी जी ने बोल दिया कि मैं तुम्हारे कानूनों को नहीं मानता मुझे जेल में डाल दो वो क्या है वो सिविल डिसोबिड मूवमेंट ही है और है क्या है कि नहीं तो इसका राइट right आंसर क्या ऑगस्ट उन्नीस सौ से लेके फरवरी उन्नीस तक ऑगस्ट फर्स्ट अगस्त से लेके फर्स्ट अगस्त 1920 से लेके 1922 तक नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का ड्यूरेशन था याद हो गया क्लियर हो चुका है ओके okay. नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं इसके अंदर ही याद रखिएगा अगस्त 1920 से लेके 22 तक हुआ अब याद रखिएगा वो जो हुआ था ना कौन सा कांड हो गया था कौन सा कांड था लिखिएगा यहां पे कौन सा कांड था जिसकी वजह से गांधी जी को गांधी जी ने बोला यार अंक, आ, लोगों को ना अभी तक समझ नहीं आई है कि, कि किस तरीके से मूवमेंट करना है पहले लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा तो इसीलिए कांग्रेस की मीटिंग बिठाई गई बारदोली में और बारदोली में अनाउंस कर दिया गया कि भैया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट खत्म करो क्योंकि चौरा चौरी यहां पे क्या लिखा गया है चौरा चौरी सत्याग्रह जो है चौरा चौरी इंसिडेंट हो गया था ठीक है ओके हु लेट द इंग्लिश शामी इन द बेटल ऑफ बक्सर बैटल ऑफ बक्सर की जो लड़ाई है देखिये एक थी बैटल ऑफ प्लासी कौन सी थी एक थी बैटल ऑफ प्लासी कौनसी थी बेटल ऑफ प्लासी थी और उसके बाद बक्सर की लड़ाई हुई थी ये दोनों लड़ाइयों ने ये मेक श्योर sure कर दिया ये दोनों लड़ाइयों की ये दोनों लड़ाइयों ने ये क्लियर कर दिया कि अंग्रेज जो है अंग्रेज जो है भारत के अंदर बहुत लंबा चलेगा बहुत लंबा खेलेगा अंग्रेज जो है भारत के अंदर बहुत लंबा खेलेगा ये क्लियर हो गया ठीक है बेटल ऑफ बक्सर में किसने इंग्लिश आर्मी को लेड किया था बहुत इंपॉर्टेंट है इट इज क्लाइव सॉरी लॉर्ड क्लाइव हेक्टर एरे कोट जल्दी बताइएगा क्विक 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 हां जी क्विक आंसर चाहिए हां जी हाँ तो यहां पे मुझे आंसर मिल भी रहा है सी 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 ऑप्शन लगा रहे हैं आप सबके सब जल्दी जल्दी क्विक ये जो ये जो कमेंट्स है ना यार कमेंट्स में एकदम फटाफट होना चाहिए फटाफट सिस्टम होना चाहिए राइट जितना जल्दी आप आंसर दे देंगे उतना जल्दी नेक्स्ट सवाल आ जाएगा आपके बेनिफिट के लिए राइट चलिए सो इट इज हेक्टर मुंडरो जो था ही लेड द इंग्लिश आर्मी ही लेड द इंग्लिश आर्मी किसने किया था हेक्टर मुंडरो ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं देखिए बैटल ऑफ बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कब हुई 22 अक्टूबर 1764 में हुई मैं आपको वैसे डेट्स लर्न करने के लिए बिल्कुल नहीं कहता लेकिन इस डेट को आप लर्न करेंगे 22 अक्टूबर 17 22 as 22nd अक्टूबर 1764 को हुई थी राइट बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी जल्दी लिखिएगा ठीक है अब यहां पे एक तरफ था कौन अंग्रेज अंग्रेज को अंग्रेज का नेतृत्व हेक्टर मुंड्रो कर रहा था और दूसरी तरफ कंबाइंड आर्मी कर रही थी कंबाइंड आर्मी मतलब कौन कंबाइंड आर्मीज ऑफ व्हाट बताइएगा कंबाइंड आर्मी ऑफ आ, मिर कासिम जो बंगाल का नवाब था सही बात गलत बात और नो जल्दी बताइएगा कासिम कौन था मिर कासिम, उसके बाद नवाब ऑफ अवध भी जो था किसके साथ था आ, इस कंबाइंड आर्मी के साथ और फाइनली मुगल एम्पर शाह आलम टू याद रखिएगा कई बार क्या होता है एग्जामिनर शाह आलम वन कर देता है तो आपने बहुत सतर्क रहना है कि शाह आलम वन नहीं था इट वॉज शाह आलम टू तो कंबाइंड आर्मी को हरा दिया था अंग्रेजों ने देखो कितनी बड़ी बात है कि कंबाइंड आर्मी ऑफ अवध कंबाइंड आर्मी ऑफ यू नो बंगाल का नवाब जो था अपना मेर कासिम और लास्ट जो है मुगल एम्पर कौन मुगल एम्पर क्या नाम है शाह आलम वन वन की टू जल्दी बताइएगा वन या टू जल्दी बताइए ठीक है इट इज टू डन चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हु गेव द टाइटल ऑफ राजा रंजीत सिंह जल्दी बताइए महाराजा रंजीत सिंह महाराजा रंजीत सिंह जब तक थे तब तक तो अंग्रेज बोला नहीं लेकिन जैसे इनकी मृत्यु हुई फिर अंग्रेज ने पंजाब को भी सिखों को भी अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया ठीक है जब तक महाराजा रंजीत सिंह था तब तक तो भाई ये बोल नहीं पाए अंग्रेज बोल नहीं पाए ठीक है ठीक है ट्वेंटी जून सेवनटीन बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब ठीक है ठीक है जल्दी बताइएगा देखिए आज की क्लास ना मिक्स है मैंने ज्योग्राफी के भी सवाल डाले हैं ठीक है ठीके? मैंने ज्योग्राफी के भी सवाल डाले ऐसा होता है ना कि कई बार क्या है कि हम लोग थेरी पढ़ रहे हैं अब मैंने आपको कल इतना सारा थेरी पढ़ाया मैंने एम सी क्यूज तो पढ़ा ही नहीं आज हम लोग एम सी क्यूज ज़्यादा कर लेते हैं ना तो पॉइंट एज कि यहाँ से जैसे भी आओगे ज्ञान लेकर ही जाओगे टेंट है ना ज्ञान लेकर ही जाओगे क्योंकि ये एफ कैट की जो जो क्लासेस होती है यार जो ये जो जी ए जनरल अवेयरनेस जी के क्लास होती है इसमें कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट की बात तो चलती नहीं है मेन सुपरफिशियल नॉलेज होती है जो आपको लेनी होती है राइट तो जल्दी बताइएगा क्या इसका सही आंसर है वॉट इज द करेक्ट आंसर राइट ओके okay. सो so, इसका आंसर क्या है जमान शाह जमान शाह जो है उन्होंने राजा का टाइटल किसको दिया था रंजीत सिंह को दिया था जमान शाह ने राजा का टाइटल किसको दिया था रंजीत सिंह को दिया था महाराजा रंजीत सिंह को दिया था क्लियर हो गया चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं किसान दिवस वॉज सेलिब्रेटेड सेलिब्रेटेड नाउ ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी इसीलिए बन जाता है क्योंकि आप देखेंगे तो उन्नीस सो के बाद 1920 के बाद बहुत ज्यादा बात करने लग पड़े थे आईएनसी वाले या फिर मुस्लिम लीग वाले या अंग्रेजों की बात करें तो वो भी किसकी किसानों की किसकी बात करने लग पड़े थे किसानों की और किसकी लेबर्स की है ना किसानों की और लेबर्स की इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि किसान यूनियन जो है 1920 के बाद ही देखने को मिलती हैं किसान यूनियन आपको देखने को मिलेंगी ठीक है किसान यूनियन राइट right. और साथ ही साथ लेबर यूनियन भी जो है आपको इसी के बाद आपको देखने को मिलेंगी तो लेबर यूनियन किसान यूनियन इसी टाइम पे देखने को मिलेंगी मैं जस्ट आपसे चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा और एकदम जल्दी से जल्दी लट्टू घुमाइए ठीक है तो किसान दिवस जो है वो मनाया जाता था उन्नीस में ठीक है 1936 में किसान दिवस जो है पहली बार मनाया गया था किसान दिवस 1936 में पहली बार मनाया गया था नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है याद रखिएगा लॉर्ड मिंटू है ना नाम तो इसका मिंटू था है ना जैसे हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं ना मिंटू अपने दोस्तों का भी नाम होता है ना कई बार आपका नाम भी होगा चिंटू मिंटू बिट्टू है ना तो मतलब ऐसे लगता है कि कोई है ही नहीं बंदा ही नहीं है बच्चा ही है है ना तो वैसे लॉर्ड मिंटू जो है इसने कोई काम नहीं किया सिर्फ एक काम किया कौन सा काम किया सिर्फ एक काम किया वो काम क्या किया काम क्या किया था देख लेते हैं हु हुए रंजीत सिंह टू मेक अ पीस महाराजा रंजीत सिंह के साथ क्योंकि इसको पता था भाई हमारी दाल गलेगी नहीं किसके सामने रंजीत सिंह के सामने महाराजा रंजीत सिंह के सामने दाल नहीं गलने वाली तो हमारे को क्या करना पड़ेगा ठीक है ठीक है महाराजा रंजीत सिंह के सामने दाल नहीं गलने वाली है तो हमें इनके साथ पीस ट्रीटी साइन करनी होगी वो पीस ट्रीटी कौन सी थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी कौन सी ट्रीटी ट्रीटी ऑफ अमृतसर याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर यहाँ पे लाहौर मत सोचिएगा कि लाहौर ट्रीटी है इट इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में लॉर्ड मिंटू ने किसको भेजा था पीस ट्रीटी साइन करवाने के लिए किसके महाराजा रंजीत सिंह के सामने ए, के साथ जल्दी बताइएगा को आंसर दीजिएगा यस हाँ, यस yes. yes. बिल्कुल सही जवाब चार्ल्स मेल्ट मेटकाल्व ठीक है चार्ल्स मेल्टाल्व को भेजा गया था रंजीत सिंह से ट्रिटी साइन करवाने के लिए ठीक है इतना आपने याद रखना है नेक्स्ट सवाल देखते हैं हु ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटेड द फर्स्ट रेगुलर ट्रेड यूनियन इन इंडिया किसने पहली रेगुलर ट्रेड यूनियन इन इंडिया जो है वो की थी मतलब किसने ऑपरेट की थी फर्स्ट रेगुलर ट्रेड यूनियन इन इंडिया एम एन लोखंडे वाडिया शशि पद बनर्जी एंड एन एम जोशी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि पहली ट्रेड यूनियन जो है इंडिया की वो किसने की थी अच्छा ऋत्विक जो है चार्ल्स मिल्टल्फ तनु ओके, ओके, ओके अमानी वेरी गुड मेहर ओके गुड मॉर्निंग एप्सिता नाउ नाउ जल्दी क्विक 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 आंसर दीजिएगा अच्छा जिसका भी आंसर सही आता है काइंडली लाइक द सेशन ऑल्सो जल्दी लाइक like भी कीजिएगा क्विक हाँ जी मेहर व्यास व्लॉग्स वेरी वेरी गुड बहुत बेहतरीन और देखिए इस तरीके के सवालों को करके ना आप ना जल्दी जल्दी ज्यादा कंटेंट पढ़ लेते हैं ज्यादा सवाल पढ़ लेते हैं और आपका टेम्परामेंट एग्जाम के लिए रेडी हो जाता है ना कि आपको पता है यार फटाफट आंसर देना है ना तो ये फटाफट आंसर की जो जो टेंडेंसी है ये आपके एग्जाम में भी हेल्प करती है राइट तो यहाँ पे आपके सामने कौन है यहाँ पे आपके सामने वाडिया है बीपी वाडिया आ रहा है आंसर की नहीं आ रहा है बीपी वाडिया आंसर दे रहे हैं आप लोग यस सिद्धार्थ दे रहा है सुमन ने भी दिया है ओके तनु वेरी वेरी गुड वाडिया साहब बिल्कुल सही बात बीपी वाडिया जो है इसका सही उत्तर है बीपी वाडिया जो थे ये सवाल मैंने पहले भी पूछा लेकिन तब भी कुछ स्टूडेंट्स गलत कर रहे थे तो याद रखिएगा बीपी वाडिया जो है उन्होंने 18 uh, 1918 में 1918 में ट्रेड यूनियन शुरू की थी वो ट्रेड यूनियन कौन सी थी बस इसको भी याद रख लो बहुत सही रहेगा मद्रास लेबर, लेबर, so, लेबर, लेबर यूनियन याद रखो इट वॉज द फर्स्ट क्लियरली रजिस्टर्ड फर्स्ट क्लियरली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बस आपने याद रखना है फर्स्ट क्लियरली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन थी किसके द्वारा बीपी वाडिया साहब के द्वारा कब 1918 में शायद ऐसा भी सवाल पूछा जाए क्रोनोलॉजी लगा दो यार क्रोनोलॉजी अब देखिए ये तो पहली है इसके बाद भी बहुत सारी ट्रेड यूनियंस बनी तो इंपॉर्टेंट है ऑल ऑल इंडिया इंडिया ट्रेड ट्रेड यूनियन यूनियन एसोसिएशन भी भी बनी कॉन्फ्रेंस हुई तो वो सारी चीजें जो है इसके बाद ही आपको एग्जिस्टेंस में देखने को मिलती है मद्रास लेबर यूनियन वॉज द फर्स्ट क्लियरली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बच्चों इसको याद रखना है ये बड़ा शानदार सवाल है इसका आंसर मुझे फटाफट चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग

कई जगहों पे प्लेग फैला हुआ था है ना प्लेग फैला हुआ था बीमारियां फैली हुई थी और लोग मरे जा रहे थे खूब सारे लोग मरे इसके टाइम पे लेकिन इसने उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के बजाय सपोर्ट प्रोवाइड करने के बजाय इसने क्या किया जो पैसा था क्या पैसा था इसने कहां पे लगाया बच्चों इसने पैसा लगाया दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज कराने में दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज कराने में ठीक है क्वीन को जो है वो करने के लिए क्वीन को इंप्रेस करने के लिए क्वीन को इंप्रेस करने के लिए इसने क्या किया दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज कराया और ये पैसा सारा इसमें लगाया इसमें इसने लगाया ही नहीं लिटन ने तो so, लिटन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड फॉर द टाइम बींग ऑफ लिटन सेकंड अफगान वॉर बर्मा वॉर आर्म्स एक्ट या प्रेस एक्ट जल्दी बताइएगा क्या आपको लगता है वट शुड बी वट शुड बी द राइट आंसर कोई एक आंसर दीजिएगा क्या सही आंसर होना चाहिए राइट 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 तो ज्यादातर बच्चा क्या कह रहा है ज्यादातर बच्चा कह रहा है बी बर्मा वॉर जो है इससे एसोसिएटेड नहीं है सेकेंड अफगान वॉर इससे एसोसिएटेड है आम सेक्ट और प्रेस एक्ट में इसने ये कह दिया कि जी आ, किसी को भी जो इंडियन है उसको अगर हथियार रखना है तो पूरी परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी इस तरीके का इसने आर्म्स एक्ट निकाला था याद रखिएगा सेकेंड अफगान वॉर थोड़ा याद रख लेना यार अठारह 70-80 का टाइम चल रहा है आ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि यार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या बता सकता है एक बार ये बता सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या थोड़ा सा है ना और आर्म्स एक्ट में जो था आर्म्स एक्ट सेवनटीन एटीन सेवनटी एट में लेकर आया था ये मैं आप बच्चों को आप आप सबको एक चीज बताता हूं देखिए

का, 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 कट उनका हो जाएगा पता कट ठीक है तो वर्णाकलर न्यूज जो है वो सभी न्यूज के ऊपर जो है इस तरीके से किया गया राइट? कि अगर किसी ने स्टेट के अगेंस्ट कुछ भी लिखा तो उनको बैन कर दिया जाएगा यह आपको क्लियर हो चुका है ठीक है यह आपको क्लियर हो चुका है इज इट क्लियर टू एवरीवन अब मुझे एक न्यूज़पेपर का नाम बता दीजिए कि जिसने क्या किया जो कि वर्नाकुलर न्यूज़पेपर था जो कि इंडियन लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था उसने रातों रात ही अपने भाषा को चेंज कर दिया अंग्रेजी में उसको छपवाना शुरू कर दिया गया क्योंकि अंग्रेजी में यह प्रेस एक्ट नहीं लग सकता था अंग्रेजी न्यूज़पेपर पे तो आंसर दीजिएगा कौन सा वो न्यूज था जिसको रातों रात ही उस लोकल लैंग्वेज से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि ये एक्ट जो है न्यूजपेपर पे ना लगे जल्दी आंसर उसके बाद मैं गुड जल्दी, जल्दी, सबसे पहले सिद्धार्थ का आंसर आया है को, कोई आइडिया नहीं है गेट एन आइडिया जल्दी आइडिया मिलेगा ओके जल्दी आंसर दीजिएगा आई वॉन्ट कम से कम पचास आंसर मेरे को चाहिए कॉमेंट के अंदर पचास आंसर चाहिए तब जाके मैं आपको इस आंसर का इस सवाल का आंसर बताऊंगा जल्दी सवाल समझ आ गया सवाल समझ आ गया था कि भाई वर्णाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो सिर्फ वर्नाकुलर न्यूज पेपर पे लगेगा वो पर्टिकुलर जो न्यूज़पेपर था उस न्यूज़पेपर ने भी सोचा उस न्यूज़पेपर पे भी वो प्रेस एक्ट लगेगा उसने क्या किया आपको रातों रात ही अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया रातों रात ही अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया सही है चलिए तो कौन है इट इज ए बी पी एबीपी का मतलब क्या है अमृत अमृत बाजार पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका डन हो गया क्लियर तो ये आप याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये बता दो मुझे हो सकता है याद यस और नो जल्दी बताइएगा नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ये बड़ा ही यूनिक सा सवाल है दोस्त हम लोग भी इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको मैं भी नहीं पढ़ता इतना डिटेल में कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 राइट वाज बेस्ड ऑन विच प्लान वाज बेस्ड ऑन विच प्लान किस प्लान के ऊपर इंडियन काउंसिल एक्ट बेस था जल्दी बताइएगा किस प्लान के ऊपर जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट बेस था क्विक 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 डरिन प्लान रेपन प्लान या ग्लैंड स्टोन प्लान जल्दी जल्दी अच्छा डफर अच्छा न्यूजपेपर बैंड बायर न्यूज प्रेस एक्ट जल्दी बताइएगा अच्छा ये सवाल है तो बता सकते हैं कौन सा न्यूज पेपर था राइट right? अच्छा इंडियन काउंसिल एक्ट वॉज बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन डफरिन प्लान ये वही ड है ठीक है डफरिन प्लान ठीक है वाज बेस्ड ऑन डफरिन प्लान लॉर्ड डफरिन जो है डफरिन प्लान के ऊपर बेस्ड था ठीक है अब ये वही डफरिन है ये वही डफरिन है ये वही डफर है, है जिसके टाइम पे कांग्रेस बनी थी जिसके टाइम पे कांग्रेस बनी थी जिसके टाइम पे कांग्रेस बनी थी तो ऐसा लर्न कर सकते हैं कांग्रेस डफरिन के टाइम पे बनी थी राइट right? ओके okay. अच्छा एक सवाल मैं और पूछ लेता तो. हूं एक सवाल मुझे बता देना यार दोस्त भाई बन के दोस्त बनके एक सवाल और बता दो कि यूनाइटेड यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन किसके द्वारा बनाई गई थी किसके द्वारा बनाई गई थी बाय जल्दी जल्दी बता दो दोस्त इस सवाल का उत्तर बता दो यूनाइटेड इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा बनाई गई थी कोई आंसर चाहिए कोई, 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 कोई। तिवारी जी का सवाल आ गया है। लेकिन लेकिन आई वॉन्ट कि यार थोड़े और लोग सवाल का उत्तर दे देंगे तो मजा आ जाएगा जल्दी है ना मैं दोबारा पढ़ देता हूं यूनाइटेड इंडिया पेट्रियॉटिक एसोसिएशन किसके द्वारा बनाई गई थी यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन किसके द्वारा बनाई गई थी जल्दी बताओ जल्दी 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 यार दो चार बंदों का सवाल थोड़ी मैं देखूंगा आंसर थोड़ी देखूंगा ज्यादा लोग बताओ ना राइट सो ये किसके द्वारा बनाई गई थी सर सैयद अहमद खान सर सैयद अहमद खान डन सैयद अहमद खान के द्वारा बनाई गई थी क्लियर हो गया विच टाइप ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स ट्रांजिशनल एरिया ये बड़ा अलग सा सवाल आपके सामने आ चुका है क्योंकि कई बार स्पेशल सेशन होता है ना कई बार मन करता है कि वो थेरी के अलावा हम लोग एमसी जब कराएं तो सारी तरफ रोशनी डाले तो यह पॉलिटी का सवाल आ गया विच टाइप ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स ट्रांजिशनल एरिया ट्रांजिशनल एरिया है ना ट्रांजिशनल एरिया अब मैं आपको बताता हूं देखिए ट्रांजिशनल एरिया क्या होता है ट्रांजिशनल एरिया क्या होता है ट्रांजिशनल एरिया मतलब जब आप आई एम ए में ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें पहला वीक जो होगा वो आपका जीरो वीक होगा जीरो वीक होगा ठीक है वो आपका क्या होगा जीरो वीक होगा सो so बेसिकली आपको जो हार्ड कोर ट्रेनिंग है उसके लिए तैयार किया जाएगा इस जीरो वीक में तो ये क्या है ये ट्रांजिशनल एरिया है ट्रांजिशन किया जाएगा आपका ठीक है सो so, जल्दी बताइएगा नगर पंचायत म्युनिसिपल काउंसिल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर नो ऑप्शन हाँ, जल्दी हाँ तो आप जब भी पढ़ते हैं तो आप पढ़ने को मिलता है कि ट्रांजिशनल एरिया कौन सा होता है ट्रांजिशनल एरिया वो है जो रूलर से अर्बन की तरफ शिफ्ट हो रहा है रूलर से वो कैसे बन रहा है अर्बन की तरफ बन रहा है शिफ्ट हो रहा है सो दैट विल बी कॉल्ड एज नगर पंचायत क्योंकि बाकी जो है ये काउंसिल कॉरपोरेशन दीज आर फॉर द सिटीज जो सही सिटी जो प्रॉपर सिटीज हैं उनके लिए काउंसिल और कॉरपोरेशन होती है ठीक है बाकी नो ऑप्शन इज करेक्ट अगर कुछ पता ही नहीं है नगर पंचायत के बारे में तब तो आप फिर डाउट में रहेंगे राइट बट नगर पंचायत का जो एरिया है दैट इज़ फॉर द ट्रांजिशनल एरिया ट्रांजिशनल एरिया ठीक है डन ओके ना नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और ये देखिए आपको पता है कि पंचायती राज सिस्टम क्या है पंचायती राज सिस्टम पहले किसने बोला कि पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए इज फॉर द बिगर पॉपुलेशन यस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसको सबसे पहले गांधी जी ने बोला कि भाई हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए जो गांव है उसको सेल्फ सफिशिएंट कीजिए गांव को सेल्फ सफिशिएंट सफिश कीजिएमेंट एक्ट सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है इसको जो है लेकर आया गया मतलब म्यूनिस्पल कारेश को लेकर आया गया अर्बन लोकल गवर्नमेंट अर्बन लोकल गवर्नमेंट को लाया गया ठीक है और सेवेंटी थर्ड में क्या लाया गया सेवन थर्ड में जो पंचायती राज सिस्टम होता है जिसको हम रूलर लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं रूलर गांव के लिए पंचायती राज सिस्टम एंड शहरों के लिए बोलेंगे आप क्या सिस्टम, क्या सिस्टम? कौन सा सिस्टम बताइएगा ओके वेयर वेयर इज दी वेर इज दी अच्छा एक और सवाल का आंसर दीजिएगा कि सबसे पहले ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये कौन से जगह पे लाया गया था सबसे पहले किस जगह में इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट किया गया था बता सकते हैं नहीं बताएंगे तो मैं आंसर दे दूंगा आप मुझसे पूछिएगा बीच में वेयर इज दर्ल्ड हाइएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन कैटोपैक्सी लोकेटेड देखिए आप ज्योग्राफी कर रहे थे ज्योग्राफी का सवाल भी आ गया कहां पे वर्ल्ड का हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन जो है वो लोकेटेड है कहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन जो है वो लोकेटेड है जिस माउंटेन को क्या कहते हैं कैटोपैक्सी कहते हैं जिसको क्या कहते हैं कैटोपैक्सी कहते हैं जिसको कैटोपैक्सी कहा जाता है जल्दी बताइएगा कोई आंसर बताइएगा हाँ किसी को अगर पता हो वैसे मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी तक नहीं कराई है वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग मैप जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग हर तरीके का माउंटेन हर तरीके का माउंटेन भी अलग अलग है ना भाई वॉलकैनिक है ब्लॉक माउंटेन है ये सारे चीज़ें पढ़ेंगे तो तब आपको क्लियर हो जाता लेकिन अभी आप फ़िलहाल इतना याद रखिए कि इक्वाडोर के अंदर ये टोपैक्सी वर्ल्ड का हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन नंबर वन नंबर टू पॉइंट नंबर आपने याद रखना है ये जो इक्वाडोर है ये कहां पे साउथ अमेरिका में है इसको आपने याद रख लेना है इट इज इन साउथ अमेरिका इंडीज इंडीज जो है ये कहाँ पे साउथ अमेरिका में है ठीक है साउथ अमेरिका में इंडीज है ठीक है इसको आपने याद रखना है दोस्त ठीक है जब मैप की बारी आएगी तो पूरा दमदार तरीके से वर्ल्ड मैप कर लेंगे आप चाहते हैं ठीक है सर बिना टॉपिक पढ़े क्वेश्चन ऊपर से जाता है कुणाल बिल्कुल यार चल कोई बात नहीं यार आ, कल हमने थ्योरी पढ़ी थी ना मानते हो ना ऐसा तो नहीं है सिर्फ एम पढ़ रहे हैं थ्योरी भी तो पढ़ ही रहे हैं ना तो कल की क्लास में मैं एक काम करता हूँ चलो कल की क्लास में मैं एक आपके लिए खास काम करता हूं दैट इज वर्ल्ड में कितने भी जितने भी माउंटेन्स है ब्लॉक माउंटेन्स हैं ट्रेंचेस हैं, सारे के सारे जो है कल हम लोग mapping करेंगे, मैपिंग करेंगे ठीक है दमदार मैपिंग करेंगे ठीक है दमदार मैपिंग करेंगे कितने बच्चे हैं जिनको जोग्राफी की प्रॉपर मैपिंग करनी है कल की क्लास में तो बता देना तो कल की क्लास स्पेशल क्लास होगी और 50 लाइक like नहीं आए तब तक कि मैपिंग की क्लास नहीं होगी हमको भी तो कुछ चाहिए ना यार हमको भी चाहिए तो लाइक like भी कीजिएगा और आगे हम लोग बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान ठीक है तो मैं लिख लेता हूं कि मैं कल आपके लिए मैपिंग लेकर आऊंगा लाइक like भी कीजिएगा सेशन को शेयर भी कीजिएगा और कल के लिए तैयार रहिएगा ग्यारह बजे सुबह हाईएस्ट रेवोल्यूशनरी मोशन किसका है हाईएस्ट रेवोल्यूशनरी मोशन किसका है अब देखिए एक होता है रोटेशन क्या होता है एक रोटेशन होता है रोटेशन मतलब मैं अपनी ही एक्सेस पे अपनी ही जगह घूमे जा रहा हूं घूमे जा रहा हूं जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से मैं घूमे जा रहा हूं सो दिस इज वॉट वी कॉल रोटेशन है ना दिस इज वॉट वी कॉल रोटेशन बट बट क्या है कि मेरी एक पार्थ भी है मैं ऐसे घूमते 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 एक पूरा का पूरा सर्कल लगा लेता हूं जो कि प्लानिट सर्कल में मूव नहीं करते हैं उनका एलिप्टिकल पाथ होता है जो आगे दिखाऊंगा एनिमेशन में तो वो पूरा का पूरा जब रेवोल्यूशन ले लेते हैं तो उसको हम रेवोल्यूशन मतलब पूरा का पूरा उन्होंने पाथ मूव कर लिया कंप्लीट कर लिया उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं राइट रोटेशन रेवोल्यूशन आप समझ चुके हैं राइट बहुत बढ़िया अब मुझे बताइएगा किसका हाईएस्ट रेवोल्यूशनरी मोशन है कौन बहुत जो है सबसे हाईएस्ट जो है जिसका रेवोल्यूशनरी मोशन है इसको बता दीजिएगा इसको बताइए कि मरकरी है वीनस है मार्स है जुपिटर है मरकरी, वीनस मार्स जुपिटर, जल्दी आपने आंसर देना है मरकरी, वीनस मार्स जुपिटर किसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेवोल्यूशनरी मोशन है यार ये सीडीएस और एनडीए में पहले सवाल पूछे जाते आजकल नहीं पूछे जाते एफकेट में अभी भी चांसेस हैं कि ये सवाल पूछे जाए तो आप जल्दी बताइएगा जुपिटर रुत्विक ने बोला वेरी वेरी गुड जुपिटर जो है हाँ जुपिटर जो है उसका सही उत्तर है ठीक है राइट आंसर इज जुपिटर

तो वहां से वो बच्चा जो है बहुत ही अच्छे से सवाल निकाल सकता है बताओ बताओ अब यहां से पता लगेगा कि कौन बच्चा जो है क्लासेस अटेंड कर रहा था राइट right? ओके okay. अच्छा रोटेशन क्या होता है रोटेशन बेसिकली अपनी ही एक्सेस में अपनी ही जगह घूमते जाना ठीक है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ टेम्परेचर राइज इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ है ना क्या मेन कॉज है टेम्परेचर राइज का इंटीरियर ऑफ अर्थ में जल्दी बताइएगा इट इज प्रेशर ओके ठीक है ब्रेक डाउन ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टें प्रेशर एंड ब्रेकडाउन ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टिस एंड नो ऑप्शन इज करेक्ट प्रेशर की वजह से आपको लगता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा डू यू थिंक दैट प्रेशर की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है मुझे तो नहीं लगता अच्छा आप, आप बोलेंगे सर आपको नहीं लगता मतलब प्रेशर है ही नहीं आंसर हाँ लगता है कि नहीं लगता है बताओ प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो ब्रेकडाउन भी बहुत तेजी से होगा होगा कि नहीं होगा है ना? अगर प्रेशर किसी चीज पे बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जो ब्रेकडाउन होगा ब्रेकडाउन किसका होगा ब्रेकडाउन किसका होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कि हमने पढ़ा था ना सियाल सीमा नाइफ सियाल मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम सीमा मतलब जो मैग्नीशियम होते हैं जो उसके अंदर सब्सटेंसेस होते हैं आयरन निकल ये सारे जो है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है इनका ब्रेकडाउन होगा जब प्रेशर भी बढ़ेगा सो so आई थिंक यहाँ पे क्या लगता है आपको यहाँ पे लगता है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन जो कि आप सभी ने सही आंसर दिया था राइट right? फॉलोविंग प्लान मूव इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन देन दी अदर प्लान इन द सोलर सिस्टम बड़ा सिंपल सवाल है ये तो बचपन में सवाल करते थे है ना नैप्च्यून हो गया प्लूटो हो गया यूरेनस हो गया सैचन हो गया जल्दी बताइएगा हाँ हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी क्विक क्विक क्वैक क्या लगता है आपको वॉट इज द करेक्ट आंसर वॉट इज द करेक्ट आंसर नेपच्यून नैप्ट्यून लग रहा है अच्छा प्लूटो लग रहा है बात है प्लूटो लग रहा है ओके अच्छा देखिए जो बाकी प्लैनेट्स है वो अपने तरीके से उनकी डायरेक्शन है वो मूव कर रहे हैं जो एक सिंगल डायरेक्शन में लेकिन जो एक दो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम जो में जो ऑपोजिट टू अदर प्लैनेट्स की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यूनिक सा है ना यूनिक सा लगता है कि नहीं लगता है ना यूनिक सा लग रहा है तो ये जो यूनिक सा है ये आपको यूरेनस में देखने को मिलेगा यूनिक सा सिस्टम जो है आपको यूरेनस में देखने को मिलेगा ये देखिए तो यहां पे जो यूरेनस है मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है राइट अब यहां पे तो क्लियर नहीं दिखेगा लेकिन इतना याद रखिए वीनस एंड यूरेनस जो है उनका जो डायरेक्शन होता है वो क्या है वो आप देखिएगा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन उनका है ठीक है बाकी प्लैनेट्स का ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन रहेगा ठीक है क्लियर हो गया ओके okay.

किसी बच्चे ने क्लास लगाई है कौन सी क्लास वोल्केनिक जो फॉर्म्स होती है लैंड फॉर्म्स होती है हमने पढ़ा था ना क्रेटर ये अच्छा एक चीज बताइएगा ये सारे आपने पढ़े हैं एपी सेंटर भी पढ़ा होगा ओरिजिन सेंटर भी लगा लो ये तो ऑप्शन बनाने के लिए बना दिया सिंडर वेंट भी पढ़ा होगा क्रेटर भी पढ़ा होगा है ना तो बताइएगा इसका आंसर क्या होता है क्या हो सकता है इसका आंसर व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर राइट डी so, ऑप्शन है क्रेटर वोलकैनो डी ऑप्शन क्रेटर वॉलकैनो ये देखिए ये कैसा है कप या फिर बाउल शेप्ड कप या बाउल बाउल्ड लग रहा है तो दिस इज व्हाट वी कॉल क्रेटर और क्रेटर uh, और बाउल शेप्ड वॉलकैनो ठीक है इसको क्रेटर वॉलकैनो कहते हैं क्रेटर इज अ बाउल शेप्ड वॉलकैनो फ्रॉम टॉप से इस तरीके से होता है नाउ एक और सवाल जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं इंटर माउंटेन प्लेट्यू इंटर माउंटेन प्लेट्यू जो है हम लोग अभी जोग्राफी में नहीं पढ़े हैं लेकिन आगे जरूर पढ़ेंगे इंटर माउंटेन प्लेट्यू कौन से होते हैं देखिए इंटर माउंटेन प्लेट्यू का कौन सा काम्पल नहीं है मैं आपको बताता हूँ इसका भी बताऊंगा टेंशन मत लेना ठीक है बट आंसर दे दो कि इंटर माउंटेन प्लेट्यू कौन सा एग्जाम्पल नहीं है जल्दी आंसर दीजिएगा क्विक आंसर कौन सा जो है इंटर माउंटेन प्लेट्यू नहीं है जल्दी क्विक कौन सा इंटर माउंटेन प्लेट्यू नहीं है हाँ जी कोई आंसर दीजिएगा क्या लगता है आपको क्या लगता है इंटरमाउंटेन प्लेटू कौन सा नहीं है अब पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ भाई इंटर माउंटेन प्लेटू होता क्या है ठीक है अब देखो आंसर भी मैं दे ही देता हूं आपको इंटरमाउंटेन प्लेटू कौन सा नहीं है सी इसका सही आंसर है सी इंटर माउंटेन प्लेटू नहीं है पेटागोनिया जो है इंटर माउंटेन प्लाटू नहीं है पेटागोनिया इंटर माउंटेन प्लेटू इसलिए नहीं है क्योंकि वो पेड माउंट प्लेटू है आप बोलेंगे सर ये इंटर माउंटेन पेड माउंटेन समझ ही नहीं आ रहा सर पल्ले नहीं पड़ रहा अभी पड़ेगा जब मैं समझाऊंगा तो पड़ जाएगा ठीक है अब देखो समझो इसको और मजा आएगा यार समझने में मजा आएगा पेटागोनिया कौन सा है पेड माउंट प्लेटू है बस इतना याद रखिए अब मैं आपको बताता हूं इंटर माउंटेन प्लेटू कौन आ, क्या होता है देखिए ये पहाड़ है यह नो जल्दी बताओ ये नो पहाड़ है दिख रहा है पहाड़ अच्छा ये भी पहाड़ दिख रहा है ठीक है ये भी पहाड़ ये भी पहाड़। इसके बीचों बीच जब आपको कोई छोटा मोटा प्लेट्यू देखने, देखने को मिलता है उस प्लेट्यू को कहते हैं जी क्या कहते हैं एक बार जोर से बोलिएगा जोर से बोलिएगा क्या बोला जाता है जल्दी बताइएगा देखिए इंटर माउंटेन प्लेट्यू वो प्लेट्यूज होते हैं जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे होते हैं चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे होते हैं ये देख रहे हैं आप ये भी पहाड़ भैया ये भी पहाड़, ठीक है? इसके बीच में आपको इंटर माउंटेन प्लेट्यू मिल जाएगा क्या मिल जाएगा जल्दी लिखिएगा इंटर माउंटेन प्लेट्यू मिल जाएगा इसके जो एग्जाम्पल्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने यही पेपर में पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे तिब्बतियन प्लेट्यू जो है उसको बोलते हैं इंटरमाउंटेन प्लेट्यू किस को कहते हैं तिब्बतियन प्लेट्यू को मैप में भी दिखाऊंगा तो रुकिएगा थोड़ा सा रुकीन प्लेट्यू भी इंटर माउंटेन प्लेट्यू है क्या है प्लेट्यू जो वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में आपको जो आपका यूएस है यूएस का जो वेस्टर्न हिस्सा है वहां पर भी बहुत सारे इंटर माउंटेन प्लेट्यू दिखेंगे समझ आया अब मैं आपको तिब्बतियन एंड बोलिवियन कम से कम आप टीबी तो याद रखिएगा टीबी टीबी मतलब तिब्बतीन बुलिवियन जो है दीज आर इंटर माउंटेन प्लेट्यू ठीक है आपका तिब्बतीन प्लेट्यू कहाँ पड़ेगा तिब्बतीन प्लेट्यू ये हमारा प्यारा भारत ठीक है इस तरीके से और जो तिब्बतीन प्लेट्यू है वो तिब्बत में आपको मेन तिब्बत में देखने को मिलेगा राइट और आपका जो बुलिवियन है ये ये क्या है बताइए जल्दी बताइएगा ये क्या है साउथ अमेरिका है ना ये क्या है साउथ अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट है इस साउथ अमेरिका में जो कॉन्टिनेंट है यहां पे आपको ये मिलेगा बोलिविन प्लेटू क्या मिलेगा बोलिविन प्लेटू कौन सा मिलेगा जल्दी लिखेगा कौन सा मिलेगा लिखना बंद नहीं करना लिखना है क्या लिखना है देखो आप बोलोगे तो नहीं ठीक है बोल तो रहे नहीं हो ठीक है आप बोलोगे तो नहीं राइट तो आपने क्या करना है आपने लिखना है दिस इज वॉट वी कॉल दिस इज वॉट वी कॉल बताइएगा बोलीवियन प्लेट्यू अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जल्दी जल्दी बता देता हूँ देखिए दिस इज दिस इज वट वी कॉल ये 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 देखिए इज दिस कोई बताएगा ये क्या है ये जो ये जो ये लाइन दिख रही है आपको पहाड़ की रेंज दिख रही है ये पहाड़ की रेंज क्या है जल्दी बताइएगा ये पहाड़ की रेंज कौन सी है कौन सी ये पहाड़ की रेंज है दिस इज वट वी कॉल एंडीज एंडीज माउंटेन दिस इज वॉट वी कॉल एंडीज माउंटेन जल्दी बताइएगा इज इट राइट और रॉन्ग ये और नो वेरी वेरी गुड है ना हाँ तो पेड माउंट प्लेट्यू क्या होते पेड माउंट प्लेट्यू होते जिनके एक तरफ ही पहाड़ होता है ठीक है एक तरफ ही पहाड़ होगा वो हम लोग कहेंगे उसे पेड माउंट प्लेट्यू ठीक है ये है पेड माउंट प्लेट्यू पेड माउंट ठीक है और यहां पे आपको पहाड़ दिख गया इसमें पेटोगोनिया इसका एग्जाम्पल है ये लास्ट चीज है मैं करवाऊंगा उसके बाद आपकी क्लास मैथ्स की होगी तो आप वो देख लीजिएगा उसको लगाइएगा अब देखिए ये है साउथ अमेरिका दिस इज साउथ अमेरिका है कि नहीं साउथ अमेरिका है साउथ अमेरिका में ये जो है यह वर्ल्ड कप में कौन जीत रहा है लग रहा है वो कौन सी टीम है जो वर्ल्ड कप में लेनन मेसी की बताइएगा कौन सी टीम है जल्दी बताइए सो दिस इज This is the region. ये वाला रीजन देखिये वाला, ये वाला रीजन कौन सा है ये वाला रीजन एनडी आ गया और ये वाला जो रीजन है दिस इज कॉल्ड पैटागोनिया डेजर्ट और यहीं पे आपको पैटागोनिया प्लेट्यू भी दिखेगा कहां पे दिखेगा यहीं पे प्लेटागो पैटागोनिया प्लेट्यू भी दिखेगा डन हो गया ठीक है सो इतना क्लियर हो गया आप सभी को ओके वेरी वेरी गुड तो चलिए आज की क्लास हम लोग अब ख़त्म करते हैं आ, मेरे पास और भी कुछ सवाल थे मैपिंग के आ, अगर वो सवाल हम लोग करते तो अच्छा रहता लेकिन हमारा टाइम कम हो रहा है मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बच्चों आ, जिस भी बच्चे ने हमारे पेड क्लासेस लेनी है तो वो पेड क्लासेस कैसे लेनी है वो मैं आपको बता देता तो, हूँ एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट में जाएंगे अड्डा टू फोर की और यहाँ पे आप और ये मैसेज लिखिए कि मज़ा आया कि नहीं आया सिलेक्शन लेते जाएंगे लेते रहेंगे लेकिन मजा आना चाहिए दैट इज मोर इंपॉर्टेंट सिलेक्शन अपने साथ आ जाएगी ठीक है ये ऑल कोर्सेज में जाएंगे हमारे जितने भी कोर्सेज हैं मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें तो आप अगर पेड क्लासेज में अटेंड करेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे आपको पर्सनल अटेंशन भी मिलेगी डेली लाइव क्लासेस होंगी और टिल एग्जाम तक आप पूरे एकदम हाथों में होंगे हाथों में मतलब कनेक्टेड होंगे है कि नहीं तो ये जितने भी कोर्सेज हैं आप डिफेंस का या अड्डा टू फोर सेवन का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं उसमें आपने याद रखना है आराम से ये कोर्स कोई भी लीजिए जैसे एफ कैट का है एफ कैट का आपने कोर्स लिया जैसे ये रिटर्न है या फिर ये एफ कैट का कंप्लीट बैच है इसको देखिए तो इसको आप देखिए ये आपका एफ कैट का कंप्लीट बैच है स्टडी मटेरियल इंटरेक्टिव क्लासेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है एफ कैट का डिटेल्स भी मिल जाएंगी राइट right? तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है आप सीधा इसी वेबसाइट के अंदर सब कुछ डिटेल ले सकते हैं बाय नाव में जाएंगे बाय नाव में जैसे गए यहाँ पर आपको पता है क्या करना है बताइएगा क्या करना है यहाँ पर क्या करने वाला काम है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज बाय फाइव एट एट ये लगाया वाई फाइव एट आपका ये 1800 सौ रुपए का एफ कार्ड का छह महीने की वैलिडिटी के लिए प्रोग्राम बहुत ज्यादा आ गया ठीक है ठीक है क्लियर हो गया चलो वेरी वेरी गुड सो मैं अब आपसे कल मिलूंगा कल हम लोग पूरा दमदार मैप करेंगे ऐसा ऐसा मैप करेंगे एनिमेशन वाला आपको जो है आ, मजा आ जाएगा ठीक है सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम थैंक यू तब तक के लिए जय हिंद थैंक यू